थर्ड कर रहे थे, थर्ड हमारा क्या था? इसमें दिया गया है, देखिए पहले हमने इसको और इसको लिख लिया, ठीक है? फिर से देखिए, यहाँ देखिए हमको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। पहले सबके हंड्रेड के प्लेस को देखेंगे, यहाँ सिक्स है, यहाँ फाइव है, सिक्स है, फिर थ्री है, फिर थ्री, फिर फाइव। अब बताइए सिक्स फाइव थ्री फाइव में स्मॉलेस्ट कौन है? थ्री। अब हम थ्री को देखेंगे, थ्री में देखिए यहाँ पर भी थ्री है और यहाँ पर भी थ्री। मीन्स टू नंबर ऐसे हैं जिनके हंड्रेड के प्लेस पर क्या है? थ्री है, जिनके हंड्रेड के प्लेस पर थ्री है, ये ऐसे टू नंबर है। तो इसमें देखिए फिर हम टेंथ के प्लेस पर चलेंगे, टेंथ के प्लेस पर यहाँ फाइव है, यहाँ सिक्स है, तो हमको क्या लिख देना है? थ्री हंड्रेड फिफ्टी सिक्स, फाइव स्मॉलेस्ट है इसलिए थ्री हंड्रेड फिफ्टी सिक्स, फिर थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव लिख देंगे, ठीक है? अब देखिए सिक्स फाइव सिक्स फाइव, सिक्स फाइव सिक्स फाइव लिखा गया है, मीन सिक्स फाइव की स्मॉलेस्ट कौन है? फाइव स्मॉलेस्ट है। अब देखिए फाइव हंड्रेड प्लेस के टू नंबर ऐसे जिनके हंड्रेड के प्लेस पर फाइव है, ठीक है? हंड्रेड के प्लेस पर फाइव है, ऐसे टू नंबर दिए गए हैं। तो यहाँ पर अब हंड्रेड के प्लेस पर फाइव टू सेम है, तो इसको छोड़ देंगे। फिर टेंथ के प्लेस पर देखेंगे, टेंथ के प्लेस पर यहाँ पर भी सिक्स है, यहाँ पर भी सिक्स है, तो इसको भी छोड़ देंगे। फिर हम वन के प्लेस को देखेंगे, ठीक है? इतना आपको मैथ्स क्लास और की कॉपी में नीट एंड क्लीन अपना वर्क करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा असेंडिंग ऑर्डर। आज असेंडिंग ऑर्डर हमारा फिनिश हो गया, अब हम कल पढ़ेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। लेट्स सी द होमवर्क, आइए देखते हैं होमवर्क में क्या मिला है आपको। रीअरेंज इन असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स मैंने आपको बताया था इंक्रीज इंक्रीज होता है, मीन्स छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। इसमें फर्स्ट है 974, फिर 794, 947, 400, 749, 779, 977। ये इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। पहले आप सबके हंड्रेड के प्लेस को देखेंगे, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है? सेवन। सेवन हंड्रेड प्लेस में यहाँ थ्री नंबर ऐसे हैं जिनके हंड्रेड के प्लेस पर क्या दिया गया है? सेवन। तो आपको इन तीनों में कंपेयर करना होगा, कंपेयर करने पर जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर नाइन हंड्रेड प्लेस के भी थ्री नंबर दिए गए, इन तीनों में भी आपको कंपेयर करना होगा, फिर जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसे लिखेंगे। ऐसे ही आपको करना है, ऐसे सेकेंड और थर्ड भी आपको होमवर्क में करके लाना है। आई होप आपको असेंडिंग ऑर्डर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? आप इसको क्लासवर्क की कॉपी में जो हमने समझाया है आपको वो आप क्लासवर्क की कॉपी में लिखेंगे। फिर इस साइड जो हमने आपको होमवर्क में दिया है आप उसे होमवर्क की कॉपी में नीट एंड क्लीन अपना वर्क करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।